टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां को ईडी ने तलब किया है। उन्हें राजार हाट न्यू टाउन में एक फ्लैट की बिक्री संबंध में सम्मन भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट की सांसद ईडी के कहने पर सीजीओ परिसर में पेश हुई। आंखों पर काला चश्मा, बगल में फाइलों का पुलिंदा और भगवा कपड़े पहनकर नुसरत ने एंट्री की। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सुबह ही एक बिजनेस समिट के चलते स्पेन गई हैं। उनके विदेश जाते ही उनकी सांसद को ईडी ने नोटिस भेज दिया, जिस पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। बहरहाल सेवन सेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी पर 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जब धोखाधड़ी हुई उस दौरान नुसरत जहां इस कंपनी की थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने उनसे कई दस्तावेज मांगे हैं। उधर एक्ट्रेस और तृणमूल सांसद नुसरत जहां को कोर्ट से अस्थायी रूप से राहत मिल गई है। सेवन सेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की आरोपी कंपनी के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई सोमवार को अलीपुर कोर्ट में होगी। दरअसल उन पर फ्लैट दिलाने को लेकर शहर के बूढ़े बुजुर्गों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एनआई के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के ग्रुप ने ये आरोप लगाकर शिकायत दर्ज की है कि उनसे कोलकाता के न्यू टाउन में फ्लैट देने का वादा किया गया, जिसमें उनसे धोखाधड़ी की गई। कंपनी के डायरेक्टर में से एक नुसरत ने मामले में छूट मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। उसी अर्जी के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि नुसरत को अब कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं। हालांकि उन्हें सिर्फ 3 महीने का समय दिया गया है। दिसंबर में नुसरत जहां को कोर्ट में फिर पेश होना होगा। दूसरी ओर धोखाधड़ी के आरोप में रियल स्टेट कंपनी के निर्देशकों में से एक राकेश सिंह सोमवार को सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी की पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। सिंह ने सुबह एजेंसी को एक पत्र भेजकर और समय मांगा। ईडी ने सिंह जहां और अभिनेत्री रूपलेखा मित्रा के खिलाफ एक ईसीआईआर शुरू की थी, जब 429 लोगों ने आरोप लगाया था कि सेवन सेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने फ्लैट के लिए 5.5 लाख रुपए लिए थे। मित्रा को बुधवार के लिए समन जारी किया गया था। उन्होंने अपनी उपस्थिति के लिए और समय मांगा है। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी सांसद पर निशाना साधते हुए पार्टी के राज्य सचिव अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर नुसरत जहां के खिलाफ कोई सबूत है तो उन्हें दंडित किया जाएगा। ये मोदी सरकार है, भारत में मोदी सरकार है। वो आप कोई भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कोई आप नायिका हो सकता है, एक्ट्रेस हो सकता है, कोई नायक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप अगर दुर्नीति किए है, आप अगर पब्लिक को ठगा है, तो आपका कोई निस्तार नहीं है। आपको आपका शास्ति होगा। आज नुसरत जहान करोड़ों रुपया उनको दिया गया है, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो आज अपना सारा जीवन का जो पूंजी है वो उनका हाथ में दिए थे फ्लैट पाने के लिए, और उनको फ्लैट भी नहीं मिला, उनको पैसा भी नहीं मिला। तो तदंत तो हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर माने प्रूफ किया जाए तो शास्ति होगा नुसरत जहान को भी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।